आईपीएल का 16वां सीजन शुक्रवार को शुरू हो चुका है। आईपीएल सीजन के शुरू होते ही सट्टे बाजार भी गर्म होने लगे हैं। ऐसे में पुलिस भी एक्टिव हो गई है और सटोरियों को सबक सिखाना चाहती है। हल्द्वानी पुलिस का कहना है कि सट्टा लगवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आईपीएल को लेकर ऑफलाइन और ऑनलाइन सट्टा खेला और खिलाया जाता है। सट्टा खेलने में कई लोग अपना सब कुछ गवा बैठते हैं और कुछ सट्टा खिलवाने वाले लोग अपनी जेब भरकर मौज करते हैं। ऐसे ही सट्टेबाजों को रोकने के लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा अपने स्तर से तैयारियां शुरू की गई है। इसी संबंध में हल्द्वानी पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि आईपीएल शुरू होने पर क्षेत्र में सट्टे लगाए जाने की सूचना मिलती रहती है, परंतु स्पष्ट न होने पर कार्यवाही होने में देर लगती है, लेकिन उसके बाद भी नैनीताल पुलिस अपने तरीके से आईपीएल शुरू होते ही एक्टिव मोड में है। किसी भी तरह के सट्टा लगाने वालों की कोई भी जानकारी हो तो तुरंत ही पुलिस को सूचना किया जाए। सट्टा लगवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कि जब आईपीएल चलता है तो इसमें ऑनलाइन कुछ लोग सट्टा लगाते हैं और कुछ इस तरह के अराजक तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो सट्टा लगवा करके जो सीधे साधे लोग हैं उन लोगों का पैसा खर्च करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारी एसओजी टीम और जो हमारी साइबर टीम है ये अपना ऑनलाइन और जो भी हमारा सर्विलांस का तरीका है उस तरीके से इसको देख रही है और जनता से भी कभी कोई ऐसी इस तरह की हमें शिकायत मिलेगी तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। इस तरह इस पे जो कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हम लोग लगाम लगा सकें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।